भारत की मेजबानी में हुआ G20 शिखर सम्मेलन सफलतापूर्वक पूरा हुआ। G20 शिखर सम्मेलन के खत्म होने के बाद से ही एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव एक दूसरे का हाथ पकड़कर खुलकर बातचीत करते हुए और हंसते हुए नजर आ रहे हैं। कई लोग इस तस्वीर के अलग अलग मायने निकाल रहे हैं तो कई लोग कह रहे हैं कि ये तस्वीर सब कुछ बयान कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। मैं सिद्दीका मनोहर सोनी आपके साथ। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ SL कांतन ने इस तस्वीर पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक्स यानी ट्विटर के जरिए ट्वीट करते हुए लिखा, मानो दोनों एक दूसरे से कह रहे हैं हमने रूसी आक्रामकता के साथ निंदा जैसे शब्दों को G20 के प्रस्ताव से दफा कर दिया, बल्कि अब ज्यादा अच्छा हो गया यूक्रेन के खिलाफ युद्ध के बदले यूक्रेन में युद्ध। आगे SL कांतन ने कहा कि भारत की अध्यक्षता में 9 और 10 सितंबर को सफलतापूर्वक G20 समिट पूरा हुआ। G20 समिट में जिस साझा प्रस्ताव को पास किया गया है वो पुतिन के लिए बड़ी जीत है और आधी नींद में रहने वाले बाइडेन के लिए बड़ी हार। वही आपको बता दें, दिल्ली समिट में जो साझा प्रस्ताव पारित किया गया है उसमें यूक्रेन में युद्ध लिखा है, जबकि पश्चिमी देशों की मांग थी कि यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लिखा जाए। वही बाद में रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव दिल्ली घोषणा पत्र से भी बेहद खुश हुए। घोषणा पत्र से खुश होकर उन्होंने रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा, दिल्ली समिट के दौरान जो साझा बयान जारी हुआ है उसकी मैं तारीफ करता हूँ, और साथ ही उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ को एकजुट करने वाला ये समिट है और इससे जुड़े लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रेरित करता है। आगे रूसी विदेश मंत्री ने भारत का आभार जताते हुए कहा, भारत ने G20 समिट को राजनीति से बचा लिया है। हमने पश्चिम की उस कोशिश को नाकाम कर दिया जिसके तहत वो इस मंच का यूक्रेनीकरण करना चाहते थे। इसके बाद आपको बता दें कि पिछले साल नवंबर के महीने में भारत को G20 की अध्यक्षता इंडोनेशिया से मिली थी। भारत ने अपनी अध्यक्षता में 9 और 10 सितंबर को हुए G20 के शिखर सम्मेलन से पहले मंत्री स्तर की कुल 11 बैठकें की थी। सभी मंत्री स्तरीय बैठक में सहमति से कोई भी साझा बयान जारी नहीं हो पाया था। बयान साझा नहीं होने के डर से इस बार भी कहीं ना कहीं यही डर बना हुआ था कि इस बार भी शायद कोई साझा बयान जारी ना हो पाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और दिल्ली समिट का साझा बयान सबकी सहमति से जारी हो गया। अब बात करते हैं बाली समिट में जो साझा बयान पास हुआ था उसके बारे में। समिट में जो बयान पास हुआ उसमें उसकी भाषा और विषय पर चीन और रूस आखिरकार सहमत हो गए थे, लेकिन दिल्ली समिट तक आते आते उनका रुख बिल्कुल बदल चुका था। बाली में जो साझा बयान जारी हुआ था उसमें यूक्रेन युद्ध से जुड़े पैरा में रूसी आक्रामकता लिखा गया था और रूस की निंदा भी थी। इसके अलावा दिल्ली के बयान में यूक्रेन में युद्ध लिखा गया है, ना कि यूक्रेन के खिलाफ युद्ध। जाहिर है कि G20 देश यूक्रेन पर रूसी हमले की निंदा नहीं कर पाए और बाली डिक्लेरेशन से दिल्ली डिक्लेरेशन की भाषा यूक्रेन में रूसी हमले को लेकर बिल्कुल बदल गई। विदेश मंत्री जयशंकर से बाली डिक्लेरेशन में रूस की निंदा और उसकी आक्रामकता दर्ज होने और दिल्ली डिक्लेरेशन में नहीं होने पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, बाली बाली है और दिल्ली दिल्ली है। एक साल में चीजें बहुत बदल गई है, हम किसी से भी किसी की भी तुलना नहीं कर सकते। लेकिन जब उनसे दिल्ली समिट में जारी हुए बयान पर यूक्रेन युद्ध से जुड़ी भाषा पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, यह सच है कि आज की तारीख में यूक्रेन बहुत ही ध्रुवीकरण वाला मुद्दा है। इस पर सबके अलग अलग विचार है, सबके विविध विचार है। ऐसे में मुझे लगता है कि मीटिंग रूम की हकीकत को दर्ज कर लेना ही सबसे सही तरीका है। आखिर में शनिवार को जब G20 शिखर सम्मेलन में PM मोदी ने घोषणा की कि साझा बयान पर सहमति बन गई है तो ये सबके लिए हैरान करने वाला था। शुक्रिया।